हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, फाइनली सभी यूपी ट्रिपल एससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। जो लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे ना कि भैया यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, फिर उसका एग्जाम कब होगा, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आएगी, जितने भी एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, वीडियो का, ये सभी एग्जाम कब कब होंगे, तो फ्रेंड्स फाइनली आज ही यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें उसने बताया कि मार्च 2022 तक जितने भी एग्जाम होंगे उनकी सभी डेट और जितनी वैकेंसी आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी उस पोस्ट के ऊपर वो सभी जारी कर दी हैं। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, डिटेल से आपको दिखाता हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नंबर 2 पर जो लिखा हुआ है यही वो नोटिस है एग्जाम कैलेंडर। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का एग्जाम कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है, जिसमें मार्च 2022 तक के जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी अपकमिंग वैकेंसी आएंगी, जिनके एग्जाम पैट के अंडर होने वाले हैं मेन एग्जाम, उन सभी एग्जाम के नाम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर दी हुई है और आपकी परीक्षा किस मंथ में होगी ये भी दिए हुए हैं। तो यहां पर आपको व्हाइटनेस ज्यादा दिखाई नहीं दे रही होगी, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। मैंने इसको लिख के रखा हुआ है, यहां पर वैकेंसी मेंशन नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने थोड़ा खोल के रख दिया चीजों को। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स थोड़ा यहां पर देखिए, आप देख रहे होंगे पहले नंबर पर ही नोटिस में लिखा हुआ है पैट, जो आपकी परीक्षा होगी 20 अगस्त 2021 को होने वाली है, सभी लोगों को पता है और मेरी आपसे एडवाइस यही है फ्रेंड्स, ये मान के चले कि भाई आज से 20 ही दिन है, 20 अगस्त को होने वाली है, मान के चलिए अगस्त लग चुका है, अपना 100% दे दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही बंपर वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, अगर इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर ना कर पाए ना तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो जितनी ताकत है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सको इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। तो डेट तो आपको पता ही है इसकी। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अब तक क्वेश्चन कि भैया लेखपाल की वैकेंसी कहां है। तो देखिए लेखपाल की वैकेंसी यहां पर उसमें मेंशन की हुई है नोटिस में, राजस्व लेखपाल की वैकेंसी पैट के अंडर कंप्लीट होगी, प्री एग्जाम तो एक तरीके से हो जाएगा लेकिन मेन एग्जाम मुख्य परीक्षा तो आपकी होगी लेखपाल की, जिसमें लगभग 7,882 वैकेंसी आएंगी। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, एग्जाम कैलेंडर में जितनी वैकेंसी दी है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो एग्जाम होगा ऑफिशियली नवंबर 2021 में होने वाला है अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम कैलेंडर। तो फ्रेंड्स डेट नोट कर लीजिए, नवंबर 2021 में लेखपाल का एग्जाम हो जाएगा, वैकेंसी आपकी कुछ ही महीने में, शायद अगले महीने आ जाए, ठीक है, लेकिन एग्जाम आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो नवंबर 2021 में होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट देखिए, तीसरा जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जिसको कनिष्क सहायक बोलते हैं, साथ ही स्टेनोग्राफर, और जो इसी योग्यता की यानी कि इसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, 12th पास, तो जो इसी के सिमिलर पोस्ट हैं बाकी स्टेनो जूनियर असिस्टेंट की, वो लगभग 200 वैकेंसी आपकी आएंगी और इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपकी मार्च 2022 में होने वाली है, यानी कि अगले साल होगी। तो फ्रेंड्स टारगेट माइंड में डाल लीजिए, देखिए इतनी बढ़िया चीज यूपी ट्रिपल एससी ने पहली बार किया है कि 5-6 महीने पहले आपको एग्जाम डेट पता चल रहा है, तो आप अपनी तैयारी यार बूस्ट कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से, उसी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि भैया मेरे पास तो 6 महीना है, जितनी ताकत है उतनी लगाऊंगा, इस बार एग्जाम क्रैक करना है। तो फ्रेंड जूनियर असिस्टेंट और टोटल जो वैकेंसी है बाकी स्टेनो विस्टेनो की मिलाकर ग्रुप सी की, वो 2000 वैकेंसी आएंगी और सभी का एग्जाम मुख्य परीक्षा मार्च 2022 में होगी। थर्ड है हमारा, एक पेंडिंग पड़ा हुआ एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड, वैकेंसी निकली थी लगभग 655 2019 में, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे ना और जो आप छोड़ चुके हैं, तैयारी को दोबारा कंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है। जो फॉरेस्ट गार्ड का पेंडिंग पड़ा हुआ एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर 2021 में होगा, ठीक है, यानी कि 6 महीने भी आपके पास नहीं, अगर देखा जाए दिसंबर 2021 में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम कैलेंडर। नेक्स्ट है, एक वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक अन्य, या फिर मतलब इसी की जो सिमिलर पोस्ट होती है ना, इसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो सिमिलर पोस्ट है, वो लगभग आपकी 2500 यानी कि 2500 वैकेंसी के आसपास आपके आएंगे, ठीक है, वो ग्रुप सी की पोस्ट है, फरवरी 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है, ये वैकेंसी भी आपकी पैट के अंडर चलेंगी, जितनी बता रहा हूं राजस्व लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ये कृषि वाली, ये भी आपकी मतलब इनका एक तरीके से प्री एग्जाम तो हो जाएगा जो कि पैट होगा, उसके बाद इन वैकेंसीज का मुख्य एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा जिसे बोलते हैं मेन एग्जाम। तो फ्रेंड्स इसका होगा आपका गन्ना विभाग वाले का फरवरी 2022 में। नेक्स्ट है जो कि है स्वास्थ्य कार्यकर्ता,
और उसके समान जितनी भी पोस्ट हैं, यानी कि उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के समान, वो सभी वैकेंसी आएंगी, सभी ग्रुप सी की रहेंगी। 9,219 पोस्ट आपकी आने वाली हैं, ठीक है, इतनी पोस्ट आएंगी और पैट के अंडर ही हैं, यानी कि पैट की परीक्षा होने के बाद आएंगी और नवंबर 2021 में इनकी परीक्षा हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो फ्रेंड्स ये कुछ मुख्य वैकेंसीज हैं जो कि बहुत ज्यादा डिजायरेबल है, बहुत टाइम से काफी सारे लोग इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो फाइनली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी कुछ हैं, मैं आपको बता दूं, और भी कुछ हैं इसमें जो दी हुई हैं, लेकिन जो पैट के अंतर्गत होंगी वो सभी वही थी, बाकी जो पेंडिंग पड़ी हुई वैकेंसी है बाकी वो इसके अंदर है। जैसे कि आपकी वीडियो की पेंडिंग पड़ी हुई वैकेंसी थी वो भी इसमें दी हुई है, साथ ही सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 2019 वाले जनवरी 2022 में होगा, साथ ही आपके और भी काफी सारे एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम शायद आपका नवंबर में होगा, ठीक है, अक्टूबर के आसपास होगा, तो और भी काफी सारे इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि एक और वैकेंसी आपकी पैट के अंतर्गत आएगी जिसमें आपकी प्रयोग यानी कि लेबोरेटरी एक्सरे वाली जो पोस्ट होती है ना टेक्निकल लेवल की, वो भी आपकी आएगी, 15 नंबर पर दी हुई है, मार्च 2022 में एग्जाम होगा, लगभग 1200 के आसपास वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें डिप्लोमा वगैरह मांगा जाता है ना लैब टेक्नीशियन का, ये वो वाली पोस्ट है। तो ये पूरा नोटिस यार आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वो तो मैंने आपको एक्साइटमेंट में मैंने सोचा कि यार सबके साथ अपडेट शेयर करते हैं और सभी लोग तैयारी करने में लग जाएंगे। सबसे ज्यादा डिजायरेबल कौन सी पोस्ट है आपके लिए? लेखपाल की है ऑब्वियसली, जूनियर असिस्टेंट की है ऑब्वियसली, एंड देन स्टेनोग्राफर की है। तो यार तैयारी जबरदस्त करना शुरू कर दीजिए, इससे वैसे अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं आएगी। तो यूपी में वही इलेक्शन है 2022 में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे। और जो लोग वेट कर रहे थे ना यूपी पुलिस कांस्टेबल 50,000 वाली वैकेंसी, वो भी आपकी जल्दी आएगी, अकॉर्डिंग टू मी वो वैकेंसी आपकी सितंबर अक्टूबर 2021 के अंदर ही जारी हो जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी आपकी। तो यार वेट करिए, और भी कुछ लेकर आएंगे यार, वीडियोज़ वगैरह आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, स्ट्रेटजी वगैरह आपको बताऊंगा। तो चलिए यार, पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, और ये जो पूरा एग्जाम कैलेंडर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।